क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी जो कॉस्ट प्राइस पे उसने खरीदे थे उसी कॉस्ट प्राइस पे वो बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम का नकली वजन इस्तेमाल करता है, नकली वजन यूज किया है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कुछ भी होगा, उस कॉस्ट प्राइस पे उसने क्या किया, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम क्या किया, चावल खरीदे, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि वो ये 1000 ग्राम चावल है कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, तो जब बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, नकली वजन का इस्तेमाल करके 1000 ग्राम की बजाय 870 ग्राम बेच दे रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो इस पे कितने ग्राम का घपला किया उसने, ठीक है ना, कितने ग्राम की बचत की चावल में, 1000 में से 870 घटाऊंगा यानी 130 ग्राम की बचत की है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में ही हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट हुआ कितने का, 130 ग्राम का, कितने पे, 870 पे, गुना कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1300/87, ठीक है, 87 से काटेंगे, 87 एकम 87, 130 में से 87 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 13 और 43, यानी 43 बचा, ठीक है। फिर पीछे वाली ये 0 1 और आ जाएगी, यानी 87 430 को 87 से काटेंगे कितने पे जाएगा, अगर मैं 5 गुना करूँ, 87 का 5 गुना करूँ, 5 गुना तो 35 और 40 43, यानी 435 आ जाएगा, यानी 5 गुना यानी कितना आ जाएगा, 435, बट एक्चुअल में कितना है, 430, यानी 15 से थोड़ा कम रहेगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15 से थोड़ा कम, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन सेकंड है जो 15 से थोड़ा कम है, ठीक है, तो यही मेरा आंसर रहेगा।